भाजपा शासित राज्य कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ है कि अब पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर विवाद करने की कोशिश शुरू होती दिख रही है। इस वक्त पूरे राज्य में माध्यमिक परीक्षा चल रही है और अब ताज़ा मामला उत्तर 24 परगना के टीटागढ़ इलाके का है, जहां पे आज यानी शनिवार को टीटागढ़ माध्यमिक बालिका विद्यालय सेंटर में जब मुस्लिम छात्राएं एग्जाम देने पहुंची तो गेट पर ही मौजूद सिविक वॉलंटियर ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि हिजाब के साथ वे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकती। और जब इन छात्रों के अभिभावकों ने इस पर आपत्ति जताई तो सिविक वॉलंटियर ने धमकी देते हुए कहा है कि हिजाब पहन के अगर अंदर जाती हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हिजाब उतारना होगा। वहीं इस मामले की खबर पाते ही सीनियर पत्रकार हैदर अली ने जब इस स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की तो गेट पे ही मौजूद गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि प्रिंसिपल मिलना नहीं चाहती हैं। सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी शिक्षा को लेकर नफरत का खेल शुरू हो गया है? आखिर किसी शिक्षण संस्थान में एग्जाम सेंटर में हिजाब पहनने से किसे परेशानी हो सकती है, या फिर यहाँ पे भी इस मामले को लेकर नफरत का खेल खेलने की कोशिश का षड्यंत्र रचा जा रहा है और जिसकी झलक आज देखने को मिली। जरूरत है अभी से ही इन घटनाओं पर रोकथाम करने की, नहीं तो ऐसे सिविक वॉलंटियर्स की आड़ में छुपे ऐसे जहन के लोग बंगाल के पूरे अमन और फिजा को भी गंदी कर देंगे। दुपट्टा भी नहीं, दुपट्टा सर से गिरा कर जाना है, निकाब नहीं लगाना, लेकिन टीचर निकाब लगा कर जा रही है। टीचर को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस स्टूडेंट जा रहे हैं निकाब लगा कर, दूसरे मना किया जा रहा है। तो गार्जियन इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे? गार्जियन भी बोल रहे हैं तो गार्जियन को भी बात कोई नहीं सुन रहा है। टीचर बोल रहे हैं कि नहीं अलाउ है, नहीं नहीं ऐसा तो टीचर कह रही है अलाउ नहीं है। नहीं, टीचर कह रही बच्चे को रेकाब लगाकर नहीं, सर पे दुपट्टा रखकर जाना। अरे तू कुछ बता नहीं रहे? नहीं, लेकिन मैम लोग रेकाब पहनकर चली जा रही है, सर पे दुपट्टा भी रखकर जा रही है। हम लोग को सर पे दुपट्टा रख के नहीं जाना, बोलते कि तुम लोग सर पे दुपट्टा रख के नहीं जा रही हो। अरे मामला ये है कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो माध्यमिक एग्जाम में जो सर्कुलर किया, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो बच्चे हिजाब लगा के आ रही है, निकाब लगा के, उसको उतार दिया गया है। आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कोई भी सामान, तो अगर मान लीजिए सादा कुट भी है और दूसरा कुट है तो उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, ये कौन सा रूल्स है? और भी तो स्कूल में सब हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं किया गया। एक दिन तो बहुत परेशान किया गया, यहाँ तक पानी का बोतल भी नहीं ले जाने दिए। नहीं नहीं, मामला हिजाब, मामला हिजाब का प्रिंसिपल क्या कह रही है? हिजाब लगा नहीं जाने देंगे हम, नहीं जाने देंगे हिजाब लगा। ये कौन, ये कौन सा स्कूल है? ये आपका माध्यमिक बालिका विद्यालय। ये जब जो ये बच्चे सब हैं, ये आपका अंजुमन के स्कूल का है और फ्रीडा हाई स्कूल का है, और कुछ बच्चे हैं जो अपना आंध्र स्कूल का है, उनका अपना कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसान है। आपके कौन से बच्ची है? मेरी बच्ची सारा नाम है। उसके लिए हम लोग बहुत बात बोले, बोला नहीं हम लोग जाने ही नहीं देंगे। क्या नहीं?